श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्री त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा के आखिरी दिन में गुरु जी ने हमें जो उपाय बताया है कि अगर आपके बच्चे किसी गलत संगति में पड़ गए हैं, मदिरा पान करने लग गए हैं, मांसाहार करने लग गए हैं, या किसी वैश्यावृत्ति में पड़ गए हैं, जुआ खेलने लग गए हैं, तो उसके लिए आप जो है एक बहुत ही सरल उपाय जो है वो आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से बच्चे का मन जो है वो इन सभी बातों से जो है वो उसका छुटकारा होगा और वो जो है अच्छे मार्ग पर चलने लगेगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपने क्या करना है, आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपने जो है पीले रंग की मिट्टी का आपने एक शिवलिंग का निर्माण करना है। वो शिवलिंग का जो आप निर्माण करेंगे वो आप शंभेश्वर महादेव के रूप में आप जो है शिवलिंग का निर्माण करेंगे। फिर आपने जो है उस शिवलिंग का आपने पूजन करना है। जब आप पूजन करेंगे तो आपने शिवलिंग पर थोड़े से काले तिल, सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र और शमी पत्र ये आप जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। और आप कोई भी अनाज ले लीजिए, अनाज जैसे आप गेहूं के दाने ले लीजिए, मक्का के दाने ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, ये भी आपने पूजन करते वक्त आपने जो है शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। पूरी श्रद्धा भावना से आप शिवलिंग का पूजन करें। उसके बाद जो है जब आप पूजन करने के बाद आप शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तो विसर्जन करने से पहले आपने जो अनाज के दाने जो हैं वो शिवलिंग पर अर्पण किए हैं ये आप जो हैं 7, 11, 21, 31, 51 या 108 दाने जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप अर्पण कर सकते हैं। ये जो दाने हैं आपने विसर्जन करने से पहले आपने उठा लेने हैं। और जो व्यक्ति गलत संगति में पड़ गया है, मदिरा पान करता है, मांसाहार करता है या गलत जो है वो राह पर चलने लगा है, उसको आपने जो है रोज एक एक दाना जो है वो आपने उस व्यक्ति को देना शुरू करेंगे तो इससे जो है वो अच्छे मार्ग पे चलने लगेगा। इन सभी बुरी आदतों से उसका जो है वो छुटकारा हो जाएगा और उसका जीवन जो है खुशहाल बन जाएगा। इस सरल से उपाय को अवश्य करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। हर हर महादेव।